हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 से संबंधित जो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। ये परीक्षा आपकी 7 और 8 अगस्त को हुई थी, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, लेकिन यहाँ पर दूसरी ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ, इसमें मैंने पोल करवाया था, ठीक है, पोल करवाया था, तो इसी के आधार पर अभी मैं बात करूँगा। और जो पिछली मैंने कट ऑफ बताई थी उसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट में मैंने बहुत ज़्यादा बताई है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई शायद बता दी थी, ठीक है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे परेशान हो गए थे, कुछ लोगों ने मुझे उल्टा सीधा भी कहा, तो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ कि इनकी जगह पे मैं होता तो मैं भी शायद इसी तरीके से कुछ करता, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया तो कुछ लोग थोड़े से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले पोल देख लेते हैं, फिर अगर फिर जो जो 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ फिर से मैंने यहाँ पर नीचे बता दूंगा, 2-4 मिनट लगेंगे, उतने में आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, ये देखिए पोल करवाया था मैंने, इसमें देखिए 100+ यहाँ इस तरीके से रखे थे और यहाँ पर देखिए 1400 वोट हो चुके हैं, ठीक है, 8 घंटे में 1400 वोट हो चुके थे। तो अब इसी के अब इसका जो रिजल्ट है उसको देख लीजिए, आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए 100+ वाले 26% लोग हैं, ठीक है, 90 से 95 से 100 13%, 90 से 95 7%, और 80 से 90 12%, और 80 से कम देखिए आप, ये देखिए मेन चीज़ यहीं पर आपका सब है, ठीक है। 80 से कम वाले 80% से कम वाले जो स्टूडेंट हैं वो देखिए 42% है। तो इस आधार पे अगर आप देखें, अब जब लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किए, कुछ मतलब कुछ लोगों ने थोड़ा सा कहा भी कि सर, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर आप नशे में बना दी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ या कुछ भी, तब जब इस तरीके से 2-3 कमेंट आए तो मैंने इस पर काफ़ी कम से कम 2 से 3 घंटे इस पर मैंने खर्च किए हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो इस पोल का सहारा भी लिया है, प्रीवियस ईयर जो परीक्षा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उसको भी लिया है, कुछ लोगों से मैंने बात की है, तो उस आधार पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहले सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने हाई बता दी थी थोड़ी सी, तो इंग्लिश का देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी में अगर आपके 83 से 86 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं, वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, इंग्लिश में वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। तो यूआर कैटेगरी में अगर 83 से 86 आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी। ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो 81 से 83 अगर आपके बन रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में आपके 81 से 83 यहाँ पे बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी, अंग्रेजी में एससी कैटेगरी में अगर आपके 79 से 81 बन रहे हैं तो भी आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी, ठीक है, एसटी कैटेगरी में आप लोग 76 से 78 आपके प्रश्न सही होने चाहिए, अगर इतने सही हैं तो आपका चांस बहुत अच्छे हैं यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, इसमें भी वैकेंसी बहुत अच्छी हैं और जो कट ऑफ है वो देखिए इसी तरीके से रहने वाला है। यूआर कैटेगरी में 85 से 87 अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ओबीसी में 83 से 85 और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो ईडब्ल्यूएस है उसमें भी 83 से 85, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबरी रहता है, ठीक है, 83 से 85 अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस में। फिर देखिए एससी कैटेगरी में 81 से 83 और एसटी कैटेगरी में 79 से 81 अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक ही जैसा होता है, लगभग बराबरी जाती है, मैंने काफ़ी मतलब परीक्षाएं देखी हैं जिनमें ईडब्ल्यूएस और यूपी की जितनी भी परीक्षाएँ उसमें लगभग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग सेम जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गृह विज्ञान, गृह विज्ञान में यूआर कैटेगरी देखिए, यूआर कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है वो 82 से 85, ठीक है, होम साइंस में 82 से 85, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 80 से 82 अगर प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो अपने आप को आप लोग सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी में अगर आपके 78 से 80 क्वेश्चन है तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में आपके अगर 75 से 78 क्वेश्चन सही हैं तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ये थे आपके गृह विज्ञान मतलब होम साइंस में। फिर देख लेते हैं हिंदी में, हिंदी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, ठीक है, लगभग 1800 करीब वैकेंसी थी। तो हिंदी में देख लेते हैं यूआर कैटेगरी में अगर आपके 85 से 88 यहाँ पे बन रहे हैं क्वेश्चन, 85 से 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं अगर आपके तो आप लोग सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। इसके बाद ओबीसी में आप 83 से 85 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं इसी के, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अपने आप को बिल्कुल सेम कैटेगरी में ही एक तरीके से मान के चलें, ठीक है। एससी कैटेगरी में 81 से 83 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं
तो अपने आप को आप लोग सेफ जोन में मान सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में आपका एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में आप लोग 78 से 81 अगर नंबर लाते हैं, सॉरी 78 से 81 अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ये था आपका हिंदी में, ठीक है, हिंदी में ये कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। तो ये हिंदी हो गई आपकी। अब देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि सर पहले पेपर भी देख लीजिए फिर आप बात करिए। तो गणित का भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया था, और यहाँ पर जो मैंने पेपर भी देखा, पेपर देखिए, पेपर में कुछ मतलब अच्छा पेपर था, मुझे ये लग रहा है। मैंने जो पेपर देखा है, मैं भी साइंस स्ट्रीम से ही रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैथ से ही, तो मैं तो फिजिक्स में मेन सब्जेक्ट मेरे रहे हैं, तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो मैंने पेपर देखा है मैथ्स का, ठीक है, वो बिल्कुल आपका सिलेबस वाइज आया है, और ज़्यादातर मैंने क्वेश्चंस वो देखे, वो अगर आप 12th लेवल का भी सही से किया होगा तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते थे, ठीक है। जो 6-6 किताबें पहले यूपी बोर्ड में चलती थी अलग अलग, ठीक है, अगर उससे अच्छे से तैयारी की होगी तो आप लोगों को क्वेश्चन आते होंगे। यहाँ पर जो दिक्कत हुई है लोगों को वो हुई है टाइम मैनेजमेंट की, तो उसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने के चांस हैं, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस थे, ये तो मैंने उसमें देखा, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी में अगर आपके 80 से ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, 80 से 83 बन रहे हैं, तो आपके मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे मतलब यहाँ पर स्कोर हो सकता है, ठीक है, आपका सेफ जोन में आप रह सकते हैं। ओबीसी में अगर आपके बन रहे हैं 78 से 80, ठीक है, 78 से 80 ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 78 से 80 बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, और इतने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद एससी कैटेगरी में 76 से 78, ठीक है, एससी कैटेगरी में आपके 76 से 78 हों तो आप सेफ जोन में अपने आप को मैथ्स में मान सकते हैं, और एसटी कैटेगरी में आपके 74 से 77 हों। तो ये देखिए आपका मैथ्स का रहा, और इसके बाद विज्ञान और बायोलॉजी का भी देख लेंगे, बस इतने का ही इस बार मैंने बताया है, ठीक है, बाकी लगभग वही रहेगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब देखिए विज्ञान में यूआर कैटेगरी जो है वो 80 से 83, ठीक, 80 से 83 अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो अपने आप को आप लोग सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी 78 से 80 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सेम रहता है लगभग, ये मैं काफ़ी बार आपको अभी बता चुका हूँ कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम रहता है, ठीक है, तो 78 से 80 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अगर आपके हैं तो अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हैं साइंस में। फिर एससी कैटेगरी में अगर आपके 76 से 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं आप, और एसटी कैटेगरी में आपके 73 से 75 कम से कम क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब लास्ट है जीव विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में भी देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी में अगर आपके 84 से 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी में 82 से 85, और इसी तरीके से आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो भी आपका 82 से 85, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अगर आपके 82 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी में आप लोग 80 से अगर 82 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है वो है एसटी कैटेगरी में 77 से 81 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपने आप को आप लोग सेफ जोन में रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कट ऑफ रही, और इसमें उम्मीद है कि ये कट ऑफ बिल्कुल आपको सही लगेगी, और जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो गलती मुझसे पिछली वीडियो में हुई उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों से मतलब क्षमा मांगता हूँ, और गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है, थोड़ा सा शायद जल्दबाजी उसमें कर दी थी और मैंने यही सोचा कि उसमें थोड़ा सा गलती हो गई तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो ही बनाता रहता हूँ, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैं जब मेरे पास कोई भी ढंग की चीज़ नहीं होती है तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, जब मुझे इस पर लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ तभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।